कॉलोनी और नागरा का सामना शुरू होगा ना। हाँ रे, पर हमारी टीम परस्त होने के बाद सामना देखने का मूड ही गया मेरा। हाँ, पर वज्री ने खो खो में बहुत तरक्की की। देख अपनी टीम जरा खो खो में पीछे पड़ गई ना रे। हाँ यार बबनिया, अरे तू तो दौड़ते खिलाड़ी का पीछा करके उसे पकड़ने में माहिर था। अरे तुझे तो खेलना चाहिए था। अरे तेरा क्या था, तुम्हें किसको पता लगने से पहले दो खिलाड़ी बात करने का तेरा पराक्रम तो सारा गांव जानता है, तू क्यों नहीं खेला टीम में? अरे सामना देखते वक्त तो हाथ खुजली कर रहे थे मेरे। अरे मेरी भी हालत वैसी ही थी, मगर किसको बताए। क्या जगन भवन, सामना आधा छोड़ के आ गए और तुम नहीं खेले गांव की टीम में? हमें कौन पूछता है। ऐसा कैसा, ग्राम पंचायत के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया था। बोर्ड लगाया यानी हो गया क्या सब? फिर घर घर जाके नियोता देना चाहिए क्या? अरे ये तो तुम जैसे युवा लोगों का काम है ना। अरे ये तुम कहते हो, उस शंकर को तो नहीं लगता ना ऐसा। उसे न लगने की वजह, वो खुद मुझसे कह रहा था कि और लोगों की मदद होती तो इससे अच्छी स्पर्धाएं हुई थी। लगता है शंकर ने तुम पर भी जादू की है। अब जादू कैसी, सब युवा लड़कों का काम करता है ना वो। तो फिर लड़कों के काम करता है, भाई लोगों के काम करता है, सब गाँव का कल्याण करने के लिए ये शंकर का अवतार हुआ है ना। अब जिस चश्मे से देखा जाए वैसा दिखाई देता है, दूसरा कोई आगे आता नहीं, इसलिए सब अकेले को करना पड़ता है ना। अनुभव आएगा ना तुमको तब पता चलेगा। तुम्हें अनुभव आया होता और तुमको पता चलता तो अच्छा हुआ होता। ठीक है जरा सोच लो। बाकी कुछ भी बोल। अरे सामना देखते हुए मेरा खून तो ऐसे खोल रहा था ना कि पूछ मत। अरे हाँ यार, मेरी भी ऐसी हालत थी। अरे मैदान लड़ाने वाले अगर मैदान को सिर्फ देखते ही रहेंगे तो खून तो खौलेगा ही ना रे। बबनिया, अब अगर वापस चांस मिला ना तो सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे। अरे पर नाम किस लिए, एक बार छलांग मारने की ठान ही लिए तो आगे ही बढ़ते ना। दे ताली। क्या शंकर, मूड ऑफ क्यों हुआ है? क्यों भगवान, आपको भी मजाक सूझ रहा है, पर मैं तो सारी बातों से ऊब गया हूं। क्यों रे, क्या हुआ? अरे इन लोगों का भला करने जाओ तो उन्हें कुछ समझता ही नहीं है, कुछ भला करने निकलो तो वही टांग अड़ाते हैं बीच में। क्या करूं, वही सूझता नहीं। इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छे बुरे की समझ ही नहीं, वही तो उन्हें दिखाना है। साक्षरता का पुण्य कर्म करके तू यही कर रहा है ना? पर वो तो ये समझना ही नहीं चाहते ना, इसलिए वो ऐसी तकलीफें पैदा करते हैं। तो मैं ये सब कब तक सहलूं? क्योंकि साक्षर होने का जो सौभाग्य तुम्हें मिला है उसका दूसरों तक प्रचार करने की जिम्मेदारी तेरी ही है। और एक बात मत भूल, तकलीफें दूर करने वालों को ही आत्मविश्वास हासिल हो जाता है। मगर उन्हें समझता नहीं क्या कि मैं ये सब उनके भले के लिए ही कर रहा हूं? ये बात अगर उन्हें समझ जाती तो तुम जैसों को कोई पूछता क्या? हंसो हंसो भगवान हंसो। पर भगवान मैं मां कसम कहता हूं मैं तंग आ चुका हूं इन सब बातों से। क्या करूं, वही सोचता नहीं है। मैं बताता हूं ना क्या करना है तुम्हें। अपने निस्वार्थी सेवा के बल पर लोगों का विश्वास हासिल करो। हर एक अच्छे विधायक काम में पहले विरोध होता है, पर जब उसे उसके परिणाम नजर आने लगते हैं तब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। और उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया है ना, तो अब उनको ये समझ तो गलती है। सिर्फ अक्षर ज्ञान यानी साक्षरता नहीं, हर एक के व्यावहारिक आयुष्य में ज्ञान की जागृति करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मर्दों के साथ साथ औरतों को साक्षर करना बहुत जरूरी है। सच कहते हो भगवान, तुम्हारा कहना भी सही है। गांधी जी भी यही कहते थे कि परिवार के किसी एक व्यक्ति को अगर साक्षर करना है तो एक पुरुष को पढ़ाओ, पर समझ लो अगर पूरे परिवार को साक्षर करना हो तो एक औरत को पढ़ाओ।
अरे राम 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 हरबा राम 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 राम। अरे क्या चल रहा है तेरा? कुछ खास नहीं, जरा थक सा गया हूँ ना, इसलिए जरा सा बैठा हूँ। और क्या हरबा चाचा, पर तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से डबल धोखा हो जाएगा। डबल धोखा? और वो कैसे? यानी कि क्या है, मक्खियों से होता है हैजा और मच्छरों से मलेरिया। हैजा क्या? अरे तो डायरेक्ट घर जाके आराम करता था तो अच्छा होता था ना। अरे हरबा, घर में रहने वाले क्या छूट जाते हैं क्या हैजा और मलेरिया की चंगुल से? नहीं। ये देखो हरबा चाचा, मक्खियों और मच्छरों को आपका घर मिलेगा नहीं क्या? हरबा चाचा, पूरे गांव को धोखा हो गया है। ये बाकी सच है एकदम, क्योंकि खाने को बैठा ना तो मुंह में निवाले के बजाय मच्छर ही जाता है पहले। पर धोखा कैसे होगा ये नहीं समझा। वो पूछा आपने सरपंच को? अरे हरबा, ये नाले का पानी पूरी तरह से बह नहीं गया ना तो गंदा पानी जमा होके मच्छर पैदा हो जाते हैं, और ये सड़ा हुआ खाना, ये गंदगी, ये कचरा, ये सब जमा हो गया ना तो मच्छर भी बढ़ते हैं। अब गांव साफ रखने का काम पंचायत का ही होता है। अरे इसलिए शंकर कह रहा है कि मुझसे पूछो। अरे पर पंचायत के पास इतना पैसा कहाँ है? पर मैं क्या कहता हूँ, सभी काम पैसे से होते हैं ऐसा थोड़ी है। अरे कुछ काम तो श्रमदान से भी होते हैं, और ये तो कहावत भी है, गांव करेगा वो राव करेगा क्या? क्यों ये लो, अपना गांव तकरार किए बिना क्या करेगा? सिर्फ आप हाँ कह दो तो देखो हम क्या करते हैं और क्या नहीं वो। अरे वाह अरे वाह, शाबाश, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो चलने दो, आप देखते ही रहना। मैं वहाँ ढूंढ रही थी तुझे। हाँ। हुआ कि नहीं तेरा? हाँ हुआ, थोड़ा ही बाकी है। चल जल्दी कर। हाँ आता हूँ। जल्दी कर। हाँ। चल। सरपंच ने एकदम ठान लिया है, गांव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उस विश्वास राव का और पंचों का मुझे कुछ मत बता तू। अरे सिर्फ नेतागिरी करने और फालतू बात करने वाले लोग हैं वो। ऐसे कैसे? अरे उन्होंने तो हमें सहयोग देने का वादा किया है ना। हाँ, तू उठते बैठते उन्हें मस्का लगाता है, वो गुरुजी भी वैसे ही है। अरे चुन के आए लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना गांव के काम पूरे नहीं होते। अब गांव में उनका कुछ वजन है कि नहीं बताना मुश्किल है। अब अरे ऐसे ही वो चुन के आए क्या? अरे आए तब आए होंगे, यहाँ रोज हालात बदलते हैं। ये देख, बदलती परिस्थिति के साथ उन्हें ले जाना बहुत जरूरी है। गांव में हो रहे अच्छे काम को उनका सहयोग नहीं मिला तो लोग उन्हें चुन के देंगे क्या? हाँ ये तो सच है, पर मुझे तो लगता है तेरी मेरी कोशिश से ही गांव में शिविर हो रहा है। फुकट में काम होता है इसलिए सब हाँ करेंगे ही ना, नहीं तो इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम लड़ते रहो, हम तमाशा देखते हैं, ऐसा है इनका। अच्छा तू कहती है ऐसा हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, गांव के काम नहीं होंगे? अरे गांव को जागने के लिए वक्त तो लगेगा ही ना। अरे पर कितना वक्त लगेगा, उसकी कोई सीमा है कि नहीं? अरे नैने कोंडीबा, ऐसा नहीं है, आप खाली पीली शक कर रहे हैं। खाली पीली कैसे? आप इतने बड़े अनुभवी लोग और आपको वो शंकर अपने ताल पर नचा रहा है। कल इलेक्शन में अगर वो खड़ा रहा तो बाद में हमारे आँख खुलकर कोई फायदा नहीं। आप कैसे कहा? अरे इसीलिए हमने अभी से सोचा है। क्या सोचा है आपने? अब देखो ये लड़के अपने गांव के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ। ये आज या कल लोगों को समझेगा कि नहीं? हाँ हाँ, तो हम उसमें पहले से ही शामिल हुए तो हमारी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा शो होगा कि नहीं? अरे उसकी तो ये पॉइंट ही मेरे दिमाग में नहीं आया सरपंच जी, पर मैं कहता हूँ सरपंच जी, गांव के सारे काम अगर श्रमदान से होने लगे तो फिर ग्राम पंचायत निविदा कैसे निकाली और कॉन्ट्रैक्ट कैसे देगी? कोंडीबा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट आया है मेरी समझ में। अच्छा वो जाने दे अभी, अरे सब तरफ से अपना फायदा देखने के दिन गए अभी। अरे जनता की सेवा करने का आश्वासन दे के वोट नहीं मिलता अभी। नहीं है? तो फिर क्या होगा?
अरे ऐसे नाराज मत होना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे जनता की सेवा करने वालों में हमें होना ही चाहिए और जनता को भी ये समझ में आना चाहिए। अरे सरपंच जी, हरबा राम राम बोला। आज लड़के लोग रहने वाले हैं ना स्कूल में, तो उन्हें कुछ सोने के लिए बड़ी चद्दर तकिए वकिए सब चाहिए कि नहीं, उसके लिए आया था। अरे फिर आपने दफ्तर में सब कुछ है? ठीक है, जो कुछ भी लगेगा वो ले जाना। पर जाते हुए मुझे सब कुछ दिखा के और लिस्ट बना के ले जाना। अब आपको दिखाए बिना कैसे ले जाऊंगा। अच्छा तो ले जा, ले जा। वाह वाह सरपंच, आपको लोगों ने चस्का ही लगा दिया। अरे कोंडीबा, चस्का लगे इतना कोई भी भोला नहीं होता। अरे इससे कुछ तो भला होगा, इसका भरोसा होने के बजाय लोगों का सहयोग नहीं मिलता। ये भी आपका एकदम बराबर है, देखो। अच्छा चलो फिर, चलो चलो। हुई इतनी शोभा बहुत हो गई अभी। हरबा क्यों गुस्सा करता है? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? अरे कौन कहा के लड़के अपने इस गांव में आते और अपने लिए सब कुछ करते हैं। अरे सब काम किया उन्होंने दिलो जान से, क्या कि नहीं? नहीं तो अपने गांव के लोग आते हैं कभी? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ आया कभी कोई? हम आते हैं ना। अरे हम चार छह लोग जाके क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है चार छह लोग जाके। सब लोग आए होते और जी लगा के काम किया होता तो और भी काम अच्छा होता कि नहीं? पर क्या करेंगे? अरे क्या करोगे, क्या पूछता है तू मुझे मेरे भाई? अरे किसी की किसी को नहीं पड़ी और पड़ोसी की चिंता बड़ी, ऐसा हुआ है तुम लोगों का? मैं कहता हूँ ये सब काम बंद कर दो अभी। करने दे बोम्बा बोम चक्रवाड़ी के लोगों को। मैं वही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। बोले मत, मैं सुनूंगा ही नहीं। होते हैं तो ज्यादा खाना बनाना ही पड़ता है। एन वक्त पे चावल कम पड़ गए, रोटियां खत्म हो गई, तो सब कुछ इतना अच्छा होना चाहिए कि लड़कों ने भी याद रखना चाहिए कि मंजुला मौसी जैसा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो मैं अकेली खाना बनाती हूँ क्या? तेरी माँ है, फातिमा भी है, अपनी लड़कियाँ भी तो है। सब है, मगर मेन पार्ट किसका है? वानर सेना तो लाखों की हो मगर हनुमान एक ही है। यानी मैं हनुमान क्या? पहले मेरे मरद को दुम गई ऐसा लगता था और अब तू मुझे दुम लगाने लगी है। वो जाने दे मंजुला मौसी, पर लड़के सच खुश है तेरे खाने पर। ऐसा? हाँ, कहते हैं तकरारवाड़ी के खाने में तकरार के लिए जगह ही नहीं। सच पूछो तो खाना तो लड़के लड़कियाँ बनाते हैं शिविर में, पर अपने यहाँ तो हमने थोड़ा कुछ अलग ही किया है। वो कैसे? हर एक शिविर में एक के बाद एक आपस में काम बांटकर लड़के लड़कियां ही काम करते हैं, पर अपने गांव का सहयोग हो इसलिए अपना महिला मंडल खाने पकाने के काम में शामिल हुआ। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। अरे वाह, फिर तो अच्छा हुआ। और तो कभी वो सब काम करते हैं, कोई चावल बनाता है, कोई सब्जी करता है, कोई रोटियां बनाता है। है ना मजे की बात? तुम जिसे कहते हो औरतों का काम, वो सिर्फ औरतों का नहीं, यही मतलब हुआ ना? वो कैसा? और ये काम औरतों का है ये किसने तय किया? रीति है वैसी। अब उल्टा रिवाज बनाएंगे चलेगा? वो मुझे कुछ समझता नहीं। सुनो तो, घर का काम तो घर का है ना, वो सबने मिलके करना चाहिए। कौन सा काम किसका है इस पर पाबंदी क्यों? जिससे जो जो होगा वो करेगा, सब मिलके काम करेंगे तो अच्छा ही है। अच्छा, अरे उत्तम की कोई चिट्ठी बिट्ठी आई है क्या? उत्तम की कोई चिट्ठी विट्टी नहीं आई है। अब घर जाओ, पानी लाओ, पानी नहीं घर में। अरे वाह 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 वाह, पानी भी नहीं, पानी लाने बहुत दूर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है ना, तो व्यवस्था करो पानी घर में लाने की। वो काम ग्राम पंचायत का है, वो अपना काम है क्या? और उसके लिए अनुदान मिलना चाहिए। तो फिर करो कोशिश, सब मिल के आवाज उठाओ। मत देते वक्त, प्रचार करते वक्त ये सब पूछना चाहिए। वो क्यों सोचेंगे, उन्हें पानी लाने को जाना नहीं पड़ता है ना। इसलिए मंजुला मौसी, पानी की समस्या के बारे में महिला मंडल में प्रस्ताव रख के वो मर्द लोगों को ही सौंप देंगे। अब ये सब शादी के पहले ही बोल देना चाहिए था। वही गलती हुई, हमारी पीढ़ी ये गलती सुधार देगी। यानी अब क्या करने वाले हो? घर के काम दोनों को मिल बांट के करने चाहिए। बांट के लेंगे ना चटनी? बांट के लेना ही पड़ेगा। काम चोरी कोई करेगा नहीं, आदमी ने भी नहीं और औरतों ने भी नहीं। वो सब ठीक है, तुम सबका खाना हो गया होगा,
और हमको कुछ भी नहीं। क्या आज एकदम उपवास है? लो अपने हाथ से और खाओ, हमें आज आराम करने दो। अरे क्या, अरे नाली बांधने का काम शुरू भी किया? हाँ, इस शिविर के और 3 दिन बाकी है और रास्ते का काम भी करीब करीब पूरा हुआ है, सोचा ये भी हो जाएगा। पानी का निचोड़ना अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, सोचा ये काम जितना होता है उतना पूरा करें। अरे वाह, मगर ये ईंट का मेहनत का काम भी महिला मंडली कैसे कर रहा है? देखिए कैसा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। हाँ बेस्ट बेस्ट। और काम भी देखिए कितना अच्छा है। उसका क्या है सरपंच, मर्द लोगों ने ही तय किया कि कढ़ाई काम उनका है, औरतें तो सर पे ईंटें लाकर देती रहेंगी और उन्हें मजदूरी भी कम मिलेगी। कारण क्या कि ईंटें देने का काम कम दर्जे का और कढ़ाई काम ऊंचे दर्जे का, इसलिए उनको मजदूरी भी ज्यादा। इसलिए सोचा ये काम भी कर दिखाएंगे, तो फिर कल ऐसा ही कुछ काम हो तो सरपंच जी सोचेंगे कि ईंट काम औरतें ही अच्छा करती है। अरे शाबाश, पर ये काम तकलीफ दे नहीं है? हाँ तकलीफ का काम है सर पे ईंटें ले जाना, पर वो अभी आपने हम औरतों के सर पे मार दिया, तो फिर देखिए अब तकलीफ का काम भी और हुनर का काम भी हम कैसे अच्छी तरह से करके दिखाते हैं। बोलिए सरपंच, काम कैसे ढंग से हो रहा है? है क्या मंजुला भाई के सवालों का जवाब? नहीं गुरुजी, कुछ समझता नहीं, पर अपने गांव में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बहुत ही अलग हो रहा है। फिर भी अच्छा है ऐसा लगता है मुझे। लगेगा ही। अरे आज हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। नींद से जगा देने के लिए पहले जगाने वाला आता था, आज अपना गांव एक नई सुबह का संदेशा दे रहा है, और ऐसे गांव के तुम सरपंच हो। नहीं गुरुजी, अब हमें और मत शर्माइए, चलिए वहाँ रास्ते के काम पे जाएंगे। यहाँ का काम ऐसे शान से और ढंग से चल रहा है कि वाह रे वाह। चलिए हम भी वहाँ थोड़ा पसीना बहाएंगे, चलिए। सब काम होशियारी से होना चाहिए। हाँ। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अरे कैसे खबर होगी, यहाँ कोई आता है क्या रात को जग मारने? चल। चला संत महात्मा बन के तेरी तो मैं काम हो गया। चल धीरे धीरे। नाले का काम सब महिला मंडल ने किया, ये तो अजूबा ही हो गया ना? अम्मा वैसा ही सोचा था हमने जानबूझ के। स्त्री शक्ति यानी क्या, इसका प्रमाण दिखाना है गाँव वालों को। अरे आओ शंकर, एकदम ठीक वक्त पे आ गया। ठीक वक्त कुछ खास बात लगती है ना? अरे अभी अभी नंदा स्त्री शक्ति पर बोल रही थी, मन में सोचा अगर तूने सुना होता तो कितना अच्छा होता। पानी का निचोड़ होने के लिए नाले की ठीक व्यवस्था कर दिखाई ना हम लड़कियों ने। पर काम का बंटवारा हम ही ने तो किया था ना। पर मौसी स्त्री शक्ति क्या होती है ये लोगों को समझना चाहिए ना। हाँ मौसी, और भी एक है क्या दूसरी शक्ति, उसे भूलना नहीं चाहिए। वो कौन सी शक्ति? युवा शक्ति, यानी युवकों की शक्ति। हाँ। अरे मौसी, हाँ? युवक युवतियों ने अगर मन में ठान ली ना, हाँ? तो देखना बंजर जमीन में फूल खिलने देर नहीं लगेगी। अरे पर बारिश में रास्ता ठीक रहेगा ना? हाँ मौसी, मौसी लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं इसलिए चिंता मत करो। अरे अच्छे अच्छे इंजीनियरों की सलाह लेके ही काम चल रहा है। ऐसा क्या? हाँ, खड़ी बिछा के रोलर घुमा के सब काम बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। मर्द लोग अब भी पीछे है, पर हमारा महिला मंडल तुम्हारे आगे है ना। अच्छा
गांव के कौन कौन मरद शामिल है बताओ तो। अब मैं और गुरुजी हैं ही, हरबा है और भीमा है। बस हो गई लिस्ट। और बाकी के पंच सरपंच तो कैसे निगरानी? नहीं हाँ नंदा, अरे कल गुरुजी और सरपंच गांव के काम देखने आए थे और वो सब देखने के बाद वो रास्ते के काम पर आए थे और जैसे ही काम देखने आए तो टोपी और सदरा उतार कर काम करने लगे। हाँ बाकी के पंच तो कोंडीबा तुझे क्या करना है? अम्मा पंचायत का काम है ये, उसके सभासदों को शामिल ही होना चाहिए। हो जाएंगे सब शामिल हो जाएंगे। सच है पर इतनी जल्दी काम हो जाएगा ऐसा नहीं लगा था। हाँ, और खाने और रहने की व्यवस्था पर सब बहुत खुश है। हा? हाँ और याद आया मुझे शिविर का कार्यक्रम 3 दिनों का है। हाँ। निरक्षरों को मिलके उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित हाँ। करेंगे, जो ज्यादा लोगों को प्रेरित करेगा हाँ। उसका सत्कार करेंगे हम। हाँ। 3 पर्चियां निकालेंगे। अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो और भी अच्छा हो गया। गुरुजी देखिए गुरुजी, अब बताइए किस लिए गांव के लोगों के लिए हम अपना खून जलाएंगे? गुरुजी आप ही बताइए, इतना अच्छा होने वाला काम मिट्टी में मिल गया ना। अरे सब गुड़ गोबर में गया ऐसा हो गया रे, अब हम सब काम करना बंद कर देंगे। और गुरुजी उस शिविर के उन लड़कों को भी इस तरह का अनुभव पहली बार आया होगा। शांत हो जाइए सरपंच, शांत हो जाइए, ये अनुभव ही अपनी सत्व परीक्षा ऐसे समझेंगे। गांव में कुछ बदमाश लोग होते हैं, कौन अच्छा काम करता है ये देख के उसमें तकलीफें पैदा करते हैं, पर उसकी सजा तो पूरे समाज को ही मिलती है। ये देखिए गुरुजी, वो कुछ भी होगा तो भी ऐसा काम जिसने भी किया उसकी तलाश होनी ही चाहिए। क्या करेगा तपास करके? ये देखो उससे तो हम ऐसा करेंगे, चांद बीवी ने जैसे रातों रात किले की मरम्मत की ना, ठीक वैसे ही आज दिन रात एक करके ये काम हम वापस पहले जैसा करेंगे और काम शुरू है ऐसा दिखाएंगे। गुरुजी ये काम जिन्होंने मन लगा के किया था उन्होंने ये सब देखा तो उनके मन को कितनी चोट पहुंचेगी। शंकर मेरे दिमाग में एक कल्पना आई है, आने वाला संकट ये एक मौका समझ के जो आगे निकलता है वही सच्चे जीत का दावेदार होता है। इस आपत्ति की वजह से मैं आप गांव वालों को सहयोग देने की प्रार्थना करूंगा। दे देंगे, इस गांव वालों के भलेपन पर विश्वास है मेरा। विश्वास ही अपने गांव का नेता है ना। देखा शंकर, सरपंच जी का नाम भी विश्वास है, ये भी कितना सार्थक। शंकर हाँ। खून करके फरार हुआ आदमी भी वापस गुनाह के जगह पर आता है हाँ। जांच लेता है वहां क्या हो रहा है, अपने पर किसी को शक तो नहीं ना, ऐसे कई सवाल उसे वापस उस गुनाह के जगह पर खींच लिया हाँ। है। तब हम ऐसा करेंगे हाँ। कि इस जगह की निगरानी रखेंगे और कौन आता है वो देखेंगे। बबन्या अब तो अपनी खैर ही नहीं है हाँ। भागो, हड्डियां टूटी गई भी भागो 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 चल भागो, चल, भागो। चल बबन्या हाँ। अरे रात हो गई हाँ। अभी तक ढूंढने नहीं आया कोई अपने को। अरे हम यहाँ छुप के बैठे उन्हें पता ही नहीं होगा। उनकी तो ऐसे हम कितने दिन छिप के बैठेंगे हाँ। अरे आज या कल उनकी पकड़ में आएंगे हम। पर मुझे एक बता, गुरुजी ने हमें बराबर पहचाना कैसे? पहचानने का जोड़ दे रहे हाँ। मुझे एक आइडिया सूझी। क्या? ये देख बबन हाँ। हमने दीवार तोड़ दी ये सच है हाँ, सच है। गाँव वालों ने हमें पहचान लिया ये भी सच है हाँ, है। गाँव वाले अपनी हड्डी तोड़ देंगे ये तो 16 ने सच है। तो मैं कहता हूँ रात ही रात हम अगर दीवार वापस बांध दे तो अपनी पिटाई भी नहीं होगी और हड्डियां भी सलामत रहेंगी। वो सच है पर क्या एक रात में ये हो जाएगा? तेरी तो बबने, तू और मैं वैसे देखा जाए तो काम में शेर है हाँ। अरे हमने ठान ली तो क्या कठिन है। चल चल रात हुई है अभी जाके कर ले चल।